हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाई चोपड़ा। दोस्तों, कुछ एक स्टूडेंट एमबीबीएस करने के लिए गलत तरीका अपनाते हैं, कुछ स्टूडेंट सीट ब्लॉक करके एडमिशन लेते हैं, कुछ स्टूडेंट फेक सर्टिफिकेट बना के एडमिशन लेते हैं। तो ऐसा ही मामला तमिलनाडु में इस बार देखने को मिला है, जिसमें स्टूडेंट ने अपनी जगह दूसरे स्टूडेंट को एग्जाम दिलाकर एडमिशन लिया है। इसमें उसके पेरेंट्स भी शामिल हैं। तो आइए देखते हैं मामला क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य प्रेस कर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर भी करें। तो ये जागरण जोश का आर्टिकल है, इसमें लिखा है कि नीट परीक्षा को लेकर पिता पुत्र को किया गिरफ्तार, जानिए क्या है आरोप। तो इसमें आगे लिखा हुआ है, तमिलनाडु में मेडिकल छात्र और उसके पिता को क्राइम ब्रांच आपराधिक जांच विभाग द्वारा थेनी में गिरफ्तार किया गया है। नीट परीक्षा में किसी और ने छात्र की जगह परीक्षा दी। इसके बाद इसमें आगे लिखा, तमिलनाडु के एक मेडिकल कॉलेज में एक सीट सुरक्षित करने के लिए नीट परीक्षा में नकल करने के मामले में तमिलनाडु पुलिस की सीबीसीआईडी विंग ने केवी उदित सूर्या व उनके माता पिता को गिरफ्तार किया है। थेनी मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने प्रथम वर्ष के छात्रों के दस्तावेज का आंतरिक सत्यापन करने के बाद मामला खुलासा किया है। उदित सूर्या होने का दिखावा करने वाले नीट परीक्षा में शामिल होने वाले एक प्रतियोगी को थेनी कॉलेज में एमबीबीएस आवंटित की गई थी। उन्होंने पहले 20 दिनों के बाद कक्षाओं में आना बंद कर दिया, उसके बाद उदित सूर्या ने उसकी जगह ली। उदित सूर्या और उनके पिता डॉक्टर वेंकटेशन, जो चेन्नई के गवर्नमेंट स्टेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में काम करते हैं, ने सीबीसीआईडी पुलिस के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। तो दोस्तों देखो, ये कितने एजुकेटेड फैमिली से है ये स्टूडेंट, और इसने ऐसा काम किया है, दूसरे स्टूडेंट से एग्जाम दिलाकर 20 डेज तक वो कक्षा में अटेंड नहीं किया, उसके बाद ये कक्षा में आता रहा है। तो ये कितना बड़ा मामला है। इसमें आगे लिखा है, मामले की जांच कर रही सीबीसीआईडी टीम के एक सूत्र ने कहा है कि पिता पुत्र दोनों इस कदाचार में शामिल हो गए हैं। पिता ने बताया कि बेटे का भविष्य सुरक्षित करने के लिए कुछ भी धन खर्च करने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने मुंबई में शामिल होने वाले दूसरे आदमी को 20 लाख रुपए दिए। हालांकि जो बात चौंकाने वाली है वह यह है कि उदित सूर्या के स्थान पर महाविद्यालय कॉलेज में जिसने दाखिला लिया है, ऐसा सामान्य तौर पर परीक्षाओं में नहीं देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की एक्टिविटी इसी एग्जाम में हुई है, इसी बार ये स्टूडेंट ने ऐसा तरीका अपनाया है। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको यह कहना है कि सफलता के लिए गलत रास्ता कभी नहीं अपनाना चाहिए। अगर आप सही रास्ते पर चलेंगे तो आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। अगर कोई स्टूडेंट फेक तरीके से एडमिशन लेता है तो एमबीबीएस करने के बाद उसका मामला उजागर हो जाता है तो वो कहीं का भी नहीं रहता, क्योंकि एमबीबीएस का टाइम भी तो 5 साल का है। अभी इस पिता पुत्र को ही देख लीजिए, इनका सब कुछ बर्बाद हो गया, बदनामी हो गई वो अलग, इसके बाद में लड़के का फ्यूचर भी इसमें यहाँ बर्बाद हो गया है। तो आपने, किसी भी स्टूडेंट ने ऐसा नहीं करना है, मेहनत करनी है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मैं हरसाय चोपड़ा आपसे फिर मिलूंगा नई अपडेट के साथ में, नए वीडियो में। आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य प्रेस कर दें। तो दोस्तों, नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।